उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस तरह नगरीय चुनाव के बजे बिगुल में दो चरणों में उत्तर प्रदेश की नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के लिए चुनाव कराए जाने की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए इस प्रोग्राम के मुताबिक दो चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके अंतर्गत 4 मई और 11 मई को वोट डाले जाने हैं और वोटों की गिनती 13 मई को होना निश्चित किया गया है। इसी सिलसिले में बहराइच जनपद में आज जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा बाकायदा तरीके से प्रेस वार्ता कर अधिसूचना जारी होने की सूचना प्रेस के माध्यम से जन सामान्य को दी है। इस प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और 9 और नामांकन ATM और सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। अथवा निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य हेतु नहीं है। सभी राजनीतिक दल ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण या भाग मानेंगे। भ्रष्ट आचरण में यह है कि किसी की चुनावी सभा में गड़बड़ी करना, मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा धमका कर या आतंकित करके अपने पक्ष में मतदान देने की कोशिश करना, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य वाले चुनाव प्रचार में किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाना या इस प्रकार के अन्य कृत्य प्रदर्शन नहीं करेंगे, न इसका समर्थन। सभी लोगों को निर्धारित व्यय सीमा से अधिक यह निर्धारित समय से निर्धारित सीमा और निर्धारित जो कार्य है उन्हीं पर व्यय करेंगे। ये नहीं कि जो व्यय करना है कि भाई व्यय करना किसी बात पर करें, जो निर्धारित मानक है मानक के अनुसार निर्धारित कार्य किसी कार्य व्यक्ति से असहमति हो सकती है, मतभेदता हो सकती है, लेकिन पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाए। इस व्यक्ति के विचार का कृत्य का रोग उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाए, या नहीं किसी घर पर कोई नाराजगी है। यह महत्वपूर्ण है, चुनाव प्रचार हेतु किसी भवन आदि दीवार का उपयोग झंडा लगाने झंडिया टांगने बैनर लगाने उसकी अनुमति है, इसकी अनुमति है उससे नहीं है। सार्वजनिक संपत्तियों का डिफ्लेसमेंट परमानेंट या स्थायी नहीं होगा। सरकारी जो सामने इसमें सरकारी बिल्डिंग है सार्वजनिक बिल्डिंग है उनको नहीं है। किसी उम्मीदवार के पक्ष में आचार अगर किसी का किसी की मर्जी से झंडा बैनर लगा है तो आया नहीं है, यानी कि बलपूर्वक चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग के लिए जिला प्रशासन से जिला प्रशासन का मतलब जिसका उससे अनुमति लेकर ही वाहन चलाए जाए। चुनाव हेतु लाउड स्पीकर या साउंड बार 10 से 6 बजे तक बंद रहेंगे और स्थायी तौर पर कोई भी स्टेटिक लाउड स्पीकर या साउंड बार नहीं लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केबल नेटवर्क वीडियो वहाँ रेडियो से किसी प्रकार का व्यापक प्रचार जिला प्रशासन के प्रचार वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन या प्रचार सामग्री जिसके नष्ट पर उसके मुद्रक या प्रकाशक का नाम और पता ना हो या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। आचार संहिता का जो इसके बाद जो पैसा लेगा बहुत ही अच्छी बात है।
हमारे